राजस्थान में जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जहां जहां उपचुनाव होंगे वहां अलग ही सीटों पर सियासत जारी है। आज बात करेंगे हम झुंझुनू की, और झुंझुनू में जिस तरीके से दावेदार आ रहे हैं, एक तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ राजपूतों को मनाने की कोशिश के जरिए वहां पर उपचुनाव में एंट्री कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर है राजेंद्र गुढ़ा जो एक अलग ही सियासी खेल खेलने में लगे हुए हैं, मुसलमानों और दलितों को अपने फेर में अपने अपने पाले में करते हुए। तो किस तरफ ऊंट बदलेगा अपनी करवट उपचुनावों में, स्पेशली हम जब झुंझुनू की बात कर रहे हैं, तो बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से उपचुनाव में हम सीटों की चर्चा करें, तो झुंझुनू में राजेंद्र राठौड़ के बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि राजपूतों में जो नाराजगी फैली है उसको मनाने के लिए उनका कार्ड खेला जा सकता है, लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो राजेंद्र राठौड़ के साथ जो कुछ भी हुआ, सियासी जो भी घटनाएं हुई, जो भी उनको बार बार चाहे से इग्नोर किया गया, फिर उनको सबके सामने लताड़ा गया, फिर ऐसी कई तरह की कयास लगाए जा रहे थे कि वो राज्यसभा भी जाएंगे, वो वहां भी नहीं गए, लेकिन इन सबके बाद जो ये सियासी गलियारों में हलचल मची है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि सियासी गलियारों की हलचलों को देखने से पहले या उनके साथ क्या हुआ उसको देखने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि चाहे गुड़ा हो या फिर हो राजेंद्र राठौड़, इन सब का राजनीतिक टोला कहीं पर भी बृजेंद्र सिंह ओला के आगे नहीं टिक पाएगा। झुंझुनू में बृजेंद्र ओला का जो रुतबा है, झुंझुनू में बृजेंद्र ओला के परिवार का जो रुतबा है, उसके आसपास भी ये लोग आना बहुत असंभव है। और वो इसलिए है कि जब भाजपा की कड़क लहर में लोकसभा चुनाव को नहीं बचा पाई भाजपा झुंझुनू में, जबकि सामने जो भाजपा का खड़ा था वो भी काफी ठीक ठाक नेता था, उस और बृजेंद्र ओला क्लीन स्वीप कर गए, तो इससे साफ पता चलता है कि अब बृजेंद्र ओला के हक में सब कुछ है। और वहीं पर अगर आप देखें तो राजेंद्र राठौड़ जो चूरू के बिल्कुल पास तारानगर जाओ, उनका पहले भी वर्चस्व था, वहां से भी नहीं जीत पाए, तो कैसे वो झुंझुनू जैसी सीट से जीतेंगे जहां पर पहले से दबदबा बृजेंद्र ओला का है, जो कि सचिन पायलट के एक तरह से राइट हैंड माने जाते हैं और सचिन पायलट का वहां भी बहुत बोलबाला है। तो गुड़ा या राठौड़ यहाँ कुछ खास कर पाएंगे ये लगता नहीं है, और खासकर जिस तरह से बीजेपी की राजनीति का ग्राफ लोकसभा चुनाव के बाद और भी ज्यादा गिरा है, विधानसभा चुनावों के बाद से गिरना शुरू हो गया था लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद और भी ज्यादा गिरा है, उसके बाद तो बृजेंद्र ओला का ग्राफ और बढ़ेगा, तो राठौड़ को कहां से एंट्री मिलेगी और कहां से एंट्री मिलेगी गुड़ा को, ये बहुत समझने वाली बात है। अब ये कितना भी चाहे जाट वर्सेस राजपूत करने की कोशिश कर ले, राजपूत भी कोई खास खुश नहीं है बीजेपी से। इससे साफ जाहिर होता है कि राजेंद्र राठौड़ का यहां आना उससे भी खराब मूव होगा जो उन्होंने राहुल कसवाहा को टिकट नहीं दिलवा के लिया था जी, और ये और भी ज्यादा उनकी राजनीति पर हावी पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो वो कह रहे हैं कि मैं आज तक की राजनीति में पहली बार हारा हूं, अब ये दूसरी बार हार जाएंगे अगर इन्होंने ऐसी चीज की तो, और फिर ये कह भी नहीं पाएंगे, राजनीतिक सुसाइड की तरह हो जाएगा अगर इन्होंने झुंझुनू से टिकट ले लिया तो जी। लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ हम देखें भाजपा कोई भी सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही, तो भाजपा को अपने दिग्गज ही लगाने पड़ेंगे, दिग्गज ही लड़वाने पड़ेंगे और तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक राजनीतिक सुसाइड हो जाएगा राजेंद्र राठौड़ के लिए ये कदम, तो क्या वो ये रिस्क लेना चाहेंगे? देखिए, वो चाहे रिस्क लेना चाहे या नहीं चाहे, अगर आलाकमान का ऑर्डर होगा तो उन्हें करना पड़ेगा, और बिना जाट वर्सेस राजपूत किए भाजपा के अच्छे नंबर्स भी आना बहुत मुश्किल है। तो आलाकमान को क्या राठौड़ के अलावा कोई ऐसा फेस नहीं देख पा रहा कि जो
पायलट और ओला के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ सके या फिर लोगों को इम्प्रेस कर सके। जाहिर तौर पर झुंझुनू में आज की डेट में तो ऐसा कोई फेस खास नजर नहीं आता, और अगर वो यहाँ किसी जाट को भेज रहे सतीश पूनिया या किसी और को, तो ये और उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि जाट तो वैसे ही ब्रिजेंद्र ओला के पक्ष में है जी। अगर वो किसी को अपनी तरफ कर सकते हैं तो वो केवल राजपूत है, और इसीलिए गुड़ा और राठौड़ का नाम आ भी रहा है। तो अब राजपूत नेता कोई राजेंद्र राठौड़ से बेटर होना जो कि ये रिस्क ले पाए, ये बेहद मुश्किल है, क्योंकि बाकी सब या तो विधायक बने हुए हैं या सांसद बने हुए हैं। तो आपके कहने का मतलब सीधा सीधा है कि चाहे से राठौड़ उतर जाए या फिर कोई भी उतरे, ये जंग जीतना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। देखिए, नामुमकिन ही आप समझिए इसको, क्योंकि झुंझुनू जो इलाका है वो पूरी तरह से ब्रिजेंद्र ओला का इलाका है, और उन्होंने ये साबित भी कर दिया। और ब्रिजेंद्र ओला कहीं ना कहीं उनके परिवार से ही टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है। अब जब ब्रिजेंद्र ओला के परिवार से टिकट मिलता है तो फिर कोई संभावना ही नहीं बचती बीजेपी के इस गिरते हुए ग्राफ में कि बीजेपी को ये कुछ मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ और कुछ लगता नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट की भरसक कैंपेनिंग, ब्रिजेंद्र ओला का साथ, इसके बाद चाहे उनके बेटे को टिकट मिले चाहे उनकी बीवी को, मुझे नहीं लगता कि झुंझुनू जो है वो कहीं और जा पाएगा। और साफ और सीधी सी बात है कि पूरे देश में जो बीजेपी के लिए हवा उल्टी पड़ी है वो इस उपचुनाव में तो सुधरती हुई नजर नहीं आती जी। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि बीजेपी के लिए जो ये जंग जीतना नामुमकिन साबित होता जा रहा है, फिर भी वो कितनी कोशिशें करती है इस जंग में अपने आप को स्थापित करने के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपने देखा है पूरा वीडियो, अगर आप भी आते हैं झुंझुनू से, तो बताइएगा जरूर क्या चल रही है वहां पर आबोहवा, क्या आप लोग चर्चाएं कर रहे हैं, आम लोगों के मन में क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। इसलिए लिखिएगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय, कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोज के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का, या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर, तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिका इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने